सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत प्यारा सा फ्लायर बनाने वाले हैं बिजनेस रिलेटेड। तो जिन लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं यार, वो उसको देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये जो है इसका अंदाज़ा लगेगा कि इसमें कैसे क्या हमने कुछ चीज़ें की हुई हैं। और इसमें हम एकदम बेसिक से सीख रहे होंगे, पर उसके बाद भी कुछ चीज़ें जो हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं उनको जो है टाइम लैप्स में डाला गया है, वरना ये वीडियो जो है वो 22-25 मिनट्स का हो जाता। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं रीसाइजिंग, तो उनको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है बस। अगर आप चाहते हो तो अगली बार से हम वो भी नहीं करेंगे, हम एकदम ही रॉ रखेंगे उसको, कोई बात नहीं है। लेकिन टाइम रिटेंशन क्योंकि कम होता है, इस कारण जो है मुझे इस तरीके से करना पड़ रहा है। हम लोग मॉकअप्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि मैं मॉकअप्स कैसे बना देती हूँ कैनवा में, तो वो भी आज के वीडियो में आप सीखने वाले रहोगे। तो काफी सारी चीजें हैं, तो आखिरी तक देखना वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। पहले बोल रहे हो ना, आखिरी में भूल जाते हैं। ऑलराइट, तो बिना किसी देर के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम हमारी कैनवा की स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे दो साइजेस होते हैं इंस्टाग्राम के, हम दूसरा वाला जो पोर्ट्रेट मोड होता है वो वाला साइज जो है हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं, विच इज़ 1080x1035 वाला जो साइज़ है ना, वही वाला। ठीक है, तो उसको हमने चूज़ कर लिया है पोर्ट्रेट वाला कुल मिला करके। इसके बाद जो है हम ऊपर पे हेडिंग दे देंगे, बिजनेस पोस्ट या बिजनेस फ्लायर, आपको जो भी देना हो वो यहाँ पर दे सकते हो। इस तरीके से अपना टाइटल अनटाइटल बार में दे देना है ताकि वो टाइटल हो जाए। इसके बाद जो है हम लोग को कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें जाना है एलिमेंट्स पे। यहाँ पर मैं सर्च कर दूंगी बिजनेस के लिए। हम सबसे पहले एक इमेज ऐड करेंगे और उस इमेज के हिसाब से, उस इमेज के कलर्स के हिसाब से हम बाकी की चीज़ें कर रहे होंगे। यहाँ पर मुझे जो फर्स्ट ये सेकेंड इमेज है यही काफ़ी पसंद आ गई है, हम इस सेकेंड को ही सिलेक्ट करते हैं और ऊपर कुछ इस प्रकार से जमा देंगे दोस्तों। इसको बढ़िया तरीके से खींच तान करके आप स्ट्रेच कर दो, और यहाँ से मैंने इसको हल्का सा क्रॉप कर दिया नीचे से, ये हमारी इमेज हो गई। अब हमने कीबोर्ड पर आर प्रेस किया तो हमको रेक्टेंगल मिल जाएगा, अदरवाइज आप एलिमेंट में जा करके रेक्टेंगल के लिए सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है इस रेक्टेंगल को ले लिया है, इसका साइजिंग अरेंज किया। कलर जो है हम फोटोज़ में जो है उनमें से एक रिलेटेड कलर लेंगे और ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी कम करने का औचित्य ये है दोस्तों कि हम ये फोटो के ऊपर भी एक जगह पर लगा रहे होंगे, उसका कारण ये है क्योंकि अगर हम वाइट कलर में कुछ लिखेंगे ना तो फोटो के ऊपर उतने अच्छे से क्लियर से नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से हल्की सी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करके अगर किसी मतलब शेप के ऊपर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ज़्यादा अच्छे से दिखता है। उसी कारणवश हम लोगों ने इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ पर मैंने जो है इसका कलर चेंज किया है और हम ये इस तरीके से पूरे रेक्टेंगल्स जो है उनको अरेंज कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा देखो फटाफट से, मैं रेक्टेंगल्स अरेंज करती हूँ। अब कीबोर्ड पे अगर आप L प्रेस करोगे तो लाइन आ जाएगी दोस्तों, अदरवाइज़ आप एलिमेंट्स में जा करके लाइन के लिए सर्च कर सकते हो। अब हम इस लाइन को जो है इस तरीके से जमाएंगे, मतलब एक प्लस का साइन बना रहे होंगे ताकि हम चार जो है सेक्शंस में हमारा ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैंने एक लाइन को अरेंज कर दिया है। अब जो है हम इसको डुप्लीकेट करके इस तरीके से दूसरा मतलब एक प्लस का साइन बना लेंगे। ठीक है, अब जो है हम बाकी के एलिमेंट्स भी जो है यहाँ पर प्लेस कर देंगे, इसका कलर वाइट कर देते हैं। देखते हैं अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको रखेंगे, नहीं पड़ेगी तो इसको हटा देंगे। पर क्योंकि हमें चार सेक्शन चाहिए, क्योंकि हम चार जो है पॉइंट्स जो होंगे कंपनी के उनके बारे में बता रहे होंगे, इस कारण हमने इस तरीके से चार सेक्शन जो है बना लिया दोस्तों। अब बारी आ जाती है टेक्स्ट को ऐड करने की, तो सिंपली टेक्स्ट पे जाओ, ऐड अ हेडिंग पे जाओ और यहाँ पर जो है हम पॉपिंस फॉन्ट लेंगे। अभी आप देख सकते हो बार्लो फॉन्ट है, तो हम इसका कलर वाइट करते हैं सिंपली, और यहाँ से जो है मैं पॉपिंस फॉन्ट ले लूँगी ऊपर जाकर के। पहले टाइप कर देते हैं हमें क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग का अगर कोई हमारा बिजनेस है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टेक योर फ्रीलांस बिजनेस टू समथिंग समथिंग, ऐसे कुछ तो भी। तो यहाँ पर आप आओगे फॉन्ट्स के लिए, और पॉपिंस के लिए मैंने सर्च कर दिया है। पॉपिंस यूज़ करने का यार एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि उसमें अपने आप में ही जो है अलग अलग जो है वेरिएशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बोल्ड है, मीडियम है, थिन है, तो हमको कोई और फॉन्ट पेयरिंग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी आसान हो जाता है। और पॉपिंस एक प्रोफेशनल फॉन्ट है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और पॉपिंस का जो ब्लैक वाला और बोल्ड वाला है वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं और अच्छे से रीड करने में जो है आपको समझ में आएगा इसलिए। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग फटाफट से जो है बाकी का टेक्स्ट भी अरेंज करेंगे। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ सिंपली टेक्स्ट लिखूंगी और अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर ब्लैक है, बोल्ड है, इसके जो वेरिएशंस है ना कुल मिला के उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी एक लाइन भी ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो इसी को डुप्लीकेट करेंगे और जो टू द नेक्स्ट लेवल लिखा हुआ है ना उसके जस्ट नीचे पे एक पतला सा लाइन जो है ऐड कर देंगे। एक छोटी सी सब हेडिंग और देने का सोच रही हूँ दोस्तों। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ लिखने को नहीं होता, अगर हम सैम्पल ही बना रहे हैं या खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया कहना चाहिए फीचर है कैनवा में, वहाँ से आप जो है कोई भी टेक्स्ट जो है जनरेट कर सकते हो, पैराग्राफ जनरेट कर सकते हो और उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे करोगे अभी मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपको जाना है ऐप्स पर और यहाँ पर जो है
आप टाइप कर दो LORM लॉरियम वाले उसके लिए, उसके बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ से आपको कितनी लेंथ का जनरेट करवाना है, आपको पैराग्राफ चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने सिंपली जनरेट पे क्लिक कर दिया। हम इसी को डुप्लीकेट करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी कुछ है नहीं ना, हम तो ऐसे सीखने के लिए बना रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है और अब हम यही को इसी वाले जो पैराग्राफ है ना इसको सब जगह पर यूज़ करेंगे। अभी वापस जाएंगे एलिमेंट्स पे और एलिमेंट्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर दो सिंपली बिजनेस आइकन्स के लिए, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से मैं जो है मुझे थर्ड नंबर का जो है ये कलरफुल सा, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, हम इसको अरेंज करके देखते हैं दोस्तों। इसके कलर्स जो हैं हम हमारी जो फोटो के कलर होंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स उनमें चेंज कर देंगे। दो शेड एक से रखेंगे और दो शेड दूसरे वाले रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, दो एक से और दो एक से, ठीक है ना। अब जो है हम इस तरीके से हमारे कलर्स अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से फोटो के कलर्स डाल देते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कर देते हैं इसको, और यहाँ पर जो है हम लाइट ब्राउन कर देते हैं, ग्रे नहीं लाइट ब्राउन, ओके। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके आजू बाजू है टेक्स्ट जमाना है, हम ये लाइन का देखते हैं दोस्तों, आखिरी में हटा देंगे अगर नहीं समझ में आएगी तो, बाकी अभी के लिए रहने देते हैं। उसका कलर वलर भी थोड़ा सा ट्राई व्राई कर लेंगे, अगर सही जमेगी तो हम उसको रखेंगे, उसकी थिकनेस विकनेस कम ज़्यादा करके देख लेंगे, ठीक है ना, वरना इसको हटा ही देंगे, मुझे नहीं लग रहा ये जमेगी यहाँ पर, तो हम बाद में देखते हैं। अभी इसको पहले हम लोग एक काम करते हैं टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें टेक्स्ट लिखना है, तो हमें वापस हमारे पास ऑलरेडी हमने बहुत सारी हेडिंग वेडिंग सब बना ही ली है, तो अब हम क्या करेंगे ऊपर से कॉपी पेस्ट करेंगे और जो हमारा हमने पैराग्राफ जनरेट करवाया ना उसी का जो है पूरा लिखते जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा याद रखना कि बल्ब लगाया तो वहाँ पर लिख देना आइडिया, ठीक है, एनालिसिस दिया हुआ है यहाँ पर लास्ट में तो उसका कर देना डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आइकन्स का तो एटलीस्ट थोड़ा सा लिहाज रखना, भले ही सैम्पल के लिए बना रहे हो पर थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है। अब अलाइनमेंट का ध्यान रखते हुए यार, क्योंकि इस साइड पे तो हमने इसका ये वाला साइड का अलाइनमेंट रखा है, अब हम जब दूसरे साइड का बनाएंगे तो उसका दूसरे साइड का अलाइनमेंट रखना ताकि वो बढ़िया से लगे, क्योंकि हम सर्कल के आजू बाजू उसको अरेंज कर रहे हैं इस कारण, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है हम बीच में इसके बाद जो है एक छोटा सा मिनी टेक्स्ट लिखेंगे, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि भाई वो किस बारे में है, गोल में क्या है। तो अब जो है ऊपर हमारे पैराग्राफ्स हमने ऊपर जो हमने ऑलरेडी टेक्स्ट जो सिलेक्ट किए हुए हैं ना ऊपर के फॉन्ट है इन्हीं को डुप्लीकेट करेंगे, इनका जो कलर है ब्लैक चेंज कर देंगे, जो हमारा मिनी पैराग्राफ रहेगा उसका ब्लैक कलर कर देंगे, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो इसको हम जो है फटाक से ये वाला ही लेते हैं और इसको कॉपी कर देंगे, व्हाइट में है हम इसको ब्लैक कर देंगे सबसे पहले तो वो दिखने लगे, वरना व्हाइट दिखेगा नहीं क्योंकि वो बहुत हल्का कलर है। अब यहां पर जो है मैंने इस तरीके से कर दिया दोस्तों, अब इसको सिंपली डुप्लीकेट करते जाना यार और हमारा पैराग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अधूरा है, तो हम एक लाइन और ऐड करेंगे आइडिया और वो जो पैराग्राफ है उस दोनों के बीच में, उस लाइन को बढ़िया से परफेक्ट तरीके से अरेंज करेंगे और सिमिलर वे में हमारे चारों जो पैराग्राफ्स हैं उनको फटाफट से तैयार कर लेते हैं दोस्तों। ऑल राइट डन। अब हम नीचे जो है कॉन्टैक्ट अस के लिए इन्फॉर्मेशन दे देंगे यार, तो यहाँ पर जो है हम आखिरी में आ जाते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं टेक्स्ट को वाइट वाले को और यहाँ पर जो है हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस, हालांकि वाइट में वाइट दिख नहीं रहा है, हम इसका कलर चेंज करते हैं और इसके बाद वो दिखने लगेगा, यहाँ पर हमने ब्राउन कर दिया है और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस और इसके बाद जो है एक लाइन लिख देंगे अच्छी सी कि भाई कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स वगैरह दे देंगे, एक पतली सी लाइन जो है वो टेक्स्ट वाली नहीं अभी जो एलिमेंट वाली लाइन है उसको ऐड कर देंगे और एक QR कोड ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे दूसरे साइड वाले बक्से खाली पड़े हुए हैं दोस्तों उनको भरना चालू करते हैं, उनमें कुछ नहीं करना है, वही हम लिखेंगे कि क्यों हमारी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए आपको, हम में क्या क्या खासियत है वो सब बताने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं वाई अस और क्वेश्चन मार्क और उसके बाद जो है तीन या चार या पाँच जितने पॉइंट्स देने हों वो पॉइंट्स दे सकते हैं, पॉइंट्स के नाम पर यही हिसाब बेटा पैराग्राफ जो है हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे दोस्तों। इसके अलावा एलिमेंट्स पर जा करके एक चेक मार्क या टिक मार्क या कुछ तो भी ऐसी सिमिलर हमको सर्च कर देना चाहिए और उसके बाद जो है हम पॉइंट्स जमा लेंगे। तो अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली मैं टेक्स्ट ऐड करती हूँ और हम जब कुछ और नया एलिमेंट ऐड करेंगे तब मैं आपको उसकी डिटेल्स बताती हूँ, ठीक है। अब एक वेबसाइट की लिंक और ऐड कर देते हैं यार ऊपर पे और हम जो है एक लोगो भी ऐड कर देंगे, तो हम दोनों चीज़ें ऐड कर देते हैं। लोगो मैंने यहाँ पर मेरे पास था नहीं पहले से, तो हमने यहाँ से ही ले लिया एक ठो कोई भी एलिमेंट उठा करके और उसको डाल दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी पोर्टफोलियो के लिए भी जो है सैम्पल्स तैयार कर सकते हो, कोई टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी फेक के लिए बनाया आप भी बना सकते हो और अपने जो डिज़ाइनिंग पोर्टफोलियो है उसमें ऐड कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए या किसी क्लाइंट जो कि बिजनेस वाला है उसको पिच कर रहे हो तो उसके लिए, ठीक है। अभी इसको डाउनलोड कर लेते हैं यार, शेयर पे जाओ सिंपली और आपको जो है मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर आप डाउनलोड देख सकते हो, हम PNG में डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद इसको इसी में वापस जो है अपलोड कर देंगे दोस्तों ताकि जो है हम मॉकअप्स बना पाएँ। अभी अपलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपलोड पे जाना है सिंपली और आपको वहाँ से आप अपनी फाइल जितनी भी होगी वो अपलोड कर पाओगे। यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा ब्लर कर दे रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ फाइल्स हैं इस कारण,
अभी बात करते हैं मॉकअप की। तो ये हमारा फ्लायर आ चुका है, पोस्टर आ चुका है, आपको जो बोलना हो आपको सिंपली एडिट फोटो पे जाना है यार। नीचे आ जाओगे तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन मॉकअप का, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे हमको ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पर मैं ये जो पर्पल वाला प्रिंट वाले ऑप्शंस में या प्रिंट वाले लाइन में है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये बैनर को खींच करके फ़ोटो के ऊपर ले आना यार, और उसके बाद वो अपने आप उसके अंदर चली जाएगी। और इस तरीके से जो है हम मॉकअप तैयार कर लेते हैं, वो देखो हो गया है, उसको बढ़िया से अरेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ पर्पल हार्ट और अ ब्लू हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने कैनवास सीखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना, और उनको भी बताओ कि भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, हम जल्दी से इसके जो है 5000 फॉलोअर्स जो है कंप्लीट करते हैं और उसके बाद कुछ अच्छा सा कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय।